बुलंदशहर में हरियाली तीज के त्योहार पर R9 की टीम ने महिलाओं से बातचीत की और जाना कोरोना काल में किस तरह से हरियाली तीज मना रही हैं। हरियाली तीज का त्योहार पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। मां पार्वती ने रेत का शिवलिंग बनाते हुए भोले शंकर की पूजा आराधना की थी, जिसके बाद भोले बाबा प्रकट हुए थे और प्रसन्न होते हुए माँ पार्वती संग उत्सव मनाया था। हरियाली तीज का त्यौहार है, बुलंदशहर के राधा नगर में हम लोग मौजूद हैं। सावन के महीने में हरियाली तीज का त्यौहार आता है, महिलाएं इसमें सजती हैं, संवरती हैं, व्रत रखती हैं और अपनी पति की लंबी आयु के लिए कामना भी करते हैं। बातचीत करेंगे, समझेंगे कोरोना काल में किस तरह से हरियाली तीज का त्यौहार मना रहे हैं। क्या नाम है? शारदा सक्सेना। व्रत रखा है आपने? जी। क्या तैयारियाँ हैं आज? तैयारियाँ चल रही हैं, सुबह से अपने हाथ वात रचा के अपने, और ये तैयारियाँ चल रही हैं अभी कोरोना काल में, तो यही है अपना घर पे पूजा होगी। घर पे पूजा करेंगे? हाँ, माता पार्वती शिवलिंग की, शिव जी की। कुछ विशेष करने वाली हैं आज? विशेष तो यही है, जो पकवान बनेंगे। आपका क्या नाम है? सुंदरी कुमारी। सुंदरी कुमारी, आपने व्रत रखा है जी, तो बता पाएंगे क्या मान्यता है, क्यों आज का त्योहार मनाया जाता है? शिव माता पार्वती शिव जी के लिए व्रत रखती थी, जब शिव जी को पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुए, और इसीलिए सभी लेडीज अपने अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत। आपने भी लंबी आयु की काम दुआ की जी। जैसे अभी शुरुआत हुई है, अभी पूरा दिन पड़ा है, तो क्या क्या करेंगे आज के दिन? सुबह उठे थे, व्रत रखा है, मेहंदियाँ लगाई हैं हाथों पे, और नए नए पकवान बनाएंगे अपने पति की लंबी आयु के लिए। खुश क्या करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे क्योंकि कोरोना टाइम चला है, घर में ही पूजा करेंगे जी सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं खुश हैं, कह रही हैं कि आस्था दिल से होती है, मंदिर नहीं जा पाएंगे, कोरोना काल चल रहा है, भगवान की पूजा घर से ही करेंगे, अपने पतियों की लंबी आयु के लिए दुआएं भी रखी की जा रही हैं, व्रत रखा है और पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं, सजी हैं, सवरी हैं आज अपने पति के लिए, और पूरे दिन पकवान भी बनाए जा रहे हैं।